Thank you, sir. Thank you. Now the next speaker is Bisambar Prasad Nisad. Nisadji? Not present. The next speaker will be Ramnath Thakurji. Wait to hear, sir. Dhanyavad. सबसे पहले इस बिल के समर्थन में मैं बोल रहा हूं। मैं अभी सुन रहा था, इस बिल के बारे में तो सबको एक विचार से, सहमति से, जनता की जो समस्या है, जो दर्द है, उसको हटाने के लिए इस बिल को पास करना चाहिए। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, 5334 बड़े बांध बांधे गए और 411 निर्माधीन हैं। किन किन राज्यों में बड़े बांध बांधे गए और किन किन राज्यों में 411 बांध निर्माधीन हैं, जब जवाब देंगे तो बताने का काम करेंगे। सभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं, जो अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं, अखबारों से, टेलीविजन के द्वारा ये देखते होंगे कि बिहार में जब 10 जून के बाद बाढ़ आती है तो वहां के लोग क्या महसूस करते हैं, किस तकलीफ में रहते हैं। उस तकलीफ को देकर मैं भारत सरकार के मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, 12 करोड़ जनता जो तबाही में फंसती है, उस तबाही को दूर करने के लिए कठोर निर्णय लेने का काम करेंगे कि भारत सरकार और नेपाल सरकार से बात करके हाई डैम बनाने का निर्णय लेंगे, जिससे बिहार के 12 करोड़ की जनता की रक्षा हो। हम यह उम्मीद करते हैं कि ज्यादा भाषण देने से, ज्यादा सुझाव देने से काम नहीं चलता। हम सिर्फ निवेदन, आरजू, प्रार्थना भारत सरकार से करते हैं कि समय सीमा के अंदर अगले वर्ष बिहार के लोग तंग और तबाह न हो, इसको ध्यान में रखते हुए बांध, हाई डैम बनाने का निर्णय लें और बिहार की रक्षा करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं नहीं कहता तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, दो काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज मनोज कुमार झा। शुक्रिया सर। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन।